हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर का कोफ्ता बनाना, जो बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको आपको बनाना बताएंगे। ना ही इसमें हमने काजू का और क्रीम का प्रयोग किया है, इस पर इसी तरह से सिंपल हमने इसे बनाया है। आप भी एक बार इसे घर पर जरूर बना कर ट्राई कीजिएगा, एकदम मार्केट जैसा घर पर बन के तैयार होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस मज़ेदार से रेसिपी को हम बनाते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए देखिए, हमने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है और दो उबले हुए आलू ले लेंगे और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह का एक कद्दूकस लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसी तरह पनीर को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू और पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसको हम किनारे रखेंगे और इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई को 2 मिनट गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले लहसुन डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और 4 लाल मिर्च डाल देंगे और 4 हमने बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हम मिला देंगे। प्याज को थोड़ी देर हमने भून लिया है, अब इसमें हम 2 टमाटर कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट भून लेंगे। प्याज और टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। आलू और पनीर को जो हमने कद्दूकस करके रखा था, उसमें हम थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे और इसे बाइंडिंग करने के लिए 2 चम्मच इसमें हम मैदा डालेंगे। सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिलाएंगे। इसी तरह से सारे मिश्रण को हम बढ़िया से मिला देंगे। पानी एकदम हम इसमें नहीं डालेंगे, आप आलू के हिसाब से इसमें मैदा 2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। देखिए, सारी चीज़ों को देखिए हमने बढ़िया से मिला दिया है, अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और ऐसे हथेली पे घुमा के ऐसे ऐसे इस तरीके से छोटा छोटा हम बॉल तैयार कर लेंगे। सारे बॉल्स को देखिए हमने बना लिया है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम मैदा डाल देंगे, छिड़क देंगे। सबसे ज़रूरी ट्रिप है, इस तरह से हमारा बॉल्स चिपकेगा नहीं। तरीके से सारे मैदे को हम इस पर लगा देंगे। सारे बॉल्स पे देखिए हमने मैदा लगा दिया, इसे चिपकेगा नहीं। अब एक हम मिक्सर ले लेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था ठंडा हो चुका है, अब इस मसाला को इसमें डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। प्याज को देखिए हमने बढ़िया से बारीक पीस लिया है, अब आइए इसका ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने से पहले आइए हम पनीर के कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने बढ़िया गरम कर लिया है, अब एक एक करके बॉल को इसमें हम डालेंगे। देखिए, एक तरफ का पनीर कोफ्ता हमारा फ्राई हो रहा है, इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, पनीर को हमने बढ़िया से फ्राई कर लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे और सारे बॉल्स को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए, सारे बॉल्स को हमने फ्राई कर लिया है, अब इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी भी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी को हम इसमें डाल देंगे, मसाला को हमने डाल दिया है। देखिए, बढ़िया से भून रहा है, अब इसमें कुछ हम मसाला ऐड करेंगे।
सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और बढ़िया से इसमें हम भूनेंगे। मसाला देखिए बढ़िया से भून चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। ग्रेवी हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखेंगे तभी हमारा कोफ्ता बढ़िया बनेगा। ग्रेवी देखिए बढ़िया से बन के तैयार हो गई है, अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे, इसे मिला देंगे। अब आइए सर्व करने के प्रोसेस में हम चलते हैं। सारे कोफ्तों को हम बढ़िया से प्लेट में रख लेंगे, इसके बाद से हम ग्रेवी डालेंगे। ये तो ग्रेवी में डाल देते हैं तो सारा कोफ्ता हमारा टूट जाएगा। अब कोफ्ता के ऊपर हम ग्रेवी को डालेंगे। ठीक है, कितना बढ़िया ग्रेवी हमारा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है पनीर कोफ्ता बनाना। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया इसका कलर आया है। फिर ऊपर से इसे हम धनिया डाल के सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।